ये पहले ऐसा था कि आप पूरे जैसे क्विज देते थे ना, उसके बाद रिजल्ट आता था। अच्छा सर, ये इसको आईपी एड्रेस दे दिया सब लोगों ने? यस सर। सही है, आप असल में कर क्या रहे हैं बता दें। इधर हुआ है रिप कॉन्फिगर और इधर हुआ है ई आई आर जी पी। रिप जो है इसका मैट्रिक क्या है? इसका मैट्रिक है हॉप काउंट। सही है, ये हॉप काउंट के मैट्रिक के ऊपर काम कर रहा होता है। और इसका मैट्रिक क्या है? कंपोजिट मैट्रिक है, K1 से K5 तक होता है। जो K1 से K3 हम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, बाकी सारे ऑफ होते हैं उसमें। जब दो राउटिंग प्रोटोकॉल बात कर रही होती हैं तो आपस में बात नहीं कर सकती, क्योंकि एक चाइनीज है और एक इंग्लिश स्पीकिंग है। सही है, तो बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ये ट्रांसलेटर है हमारा, एक कंपनी हमारे पास KFC की, उसके अंदर हमारी जितनी साइट्स हैं वो EIRGP को सपोर्ट करती हैं। वहाँ EIRGP हमारी सर्विस होती है। जो दूसरी कंपनी की साइट है हमारे पास जो उसने हायर करिए परचेस करिए KFC ने, वहाँ चल रही है रिप। अब रिप वाली साइट तो चेंज नहीं करेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे रेट ही चलते रह देंगे। और जो KFC के अंदर EIRGP चल रहा था वो EIRGP चलता रहेगा। हम बीच में एक राउटर लगाएंगे और उस राउटर के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे मैनुअली। ये राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर भी कराता है और एज राउटर भी कराता है। सही है, इससे कोई सवाल तो फिर करें रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कराता है कि ये है चाइनीज और ये है इंग्लिश, ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। इनका दोनों का अलग अलग मैट्रिक है। हाँ, इनको बात कराने के लिए तो बीच में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम रिप कॉन्फिगर कर रहे हैं और रिप कॉन्फिगर कर रहे हैं R1 पे। तो इसको एग्जिट करके HO R1 कर देते हैं। R1 आ गया यहाँ पे। अब डू शो IP राउट करूँगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर 1 का नेटवर्क ऐड हुआ हुआ है और 10 का नेटवर्क ऐड हुआ हुआ है। अब जो है राउटर रिप करता हूँ और नेटवर्क ऐड करा देता हूँ 1.1.0.0.0। ये हुआ है इंटरफेस पे और 10 का रूपबैक एड्रेस है। अब उसके बाद
हम सेंटर डॉक्टर में आते हैं और इसको एचओ आर टू कर देते हैं। आर टू करने के बाद इसके अंदर टू शो आई पी डाउन वन का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क हम रिप के अंदर ऐड करा देंगे और 2 का नेटवर्क EIRGP में ऐड करा देंगे। राउटर रिप नेटवर्क 1.0.0.0 फिर नेटवर्क 20.0.0.0 फिर एग्जिट फिर राउटर EIRGP 100 नेटवर्क वाले में दो बैग का वो दे दे मसला नहीं है। सेंटर वाले राउटर में ये है जी आदमी में लूप बैग वाले रिप पे दे दो।
अभी देखिए पिन करा रहा हूँ, R1 से R3 पे पिन नहीं हो रहा क्योंकि इसको प्रोटोकॉल ही समझ में नहीं आ रही। और जब मैं R1 पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ शो IP राउंड, तो ये RIP का 20 का नेटवर्क तो लेकर आ रहा है, लेकिन ये EIRGP का 30 का नेटवर्क इसको समझ में नहीं आ रहा। सही है, तो अब हम R2 पे रीडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्फिग टर्मिनल करा, फिर राउटर रेप रीडिस्ट्रीब्यूशन, EIRGP हंड्रेड मैट्रिक हिस्सा 1 है, मैट्रिक 0 से 16 रिप का होता है, हम रिप की रीडिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर एग्जिट करता हूँ, फिर इसके बाद राउटर EIRGP 100 रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप, फिर मैट्रिक किलोबिट, पहली किलोबिट के अंदर दे रहे हैं K1 की वैल्यू से, फिर K2 की वैल्यू की, फिर रिलायबिलिटी दे रहे हैं, तो 100% रिलायबल होना चाहिए, और फिर इसकी बैंडविड्थ दे रहे हैं, ये K1 की वैल्यू दी है, डिले दिया है, ये देखें ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है और ये K5 है। ये जो है EIRGP जो है उसका मैट्रिक कंपोजिट मैट्रिक होता है। कंपोजिट मैट्रिक की कैलकुलेशन में करके दिखा दूंगा हम लोगों पहले कि वो K1 से K5 तक होता है, और K1 और K3 जो बाय डिफॉल्ट होता है उसी को काउंट करते हैं, इसके अलावा काउंटेबल नहीं होती चीज़ें, वो बंद होती हैं। तो यहाँ हमने K1 से K5 तक जो सारे पैरामीटर्स डाले हैं वो हमने मैनुअल कॉन्फिगर करके डाले हैं, जो RIP के अंदर हम उसको आइडेंटिफाई करवा रहे हैं RIP की रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पहले हमने EIRGP की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, RIP की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, अब हम EIRGP की रीडिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले राउटर EIRGP 100 डाला, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट डाला। रीडिस्ट्रीब्यूट के बाद बोल रहे हैं कौन से रीडिस्ट्रीब्यूशन करानी, किसकी प्रोटोकॉल की, तो मैंने RIP डाला। फिर बोल रहे हैं कि मैट्रिक इसका आइडेंटिफाई करें कि इसके अगेंस्ट मैट्रिक कौन सा होगा, तो मैट्रिक इसके अगेंस्ट K1 से K5 तक होगा। सही कैलकुलेट की
रैंडमली हाँ डालिए। एमटीयू फिक्स होता है सीरियल का, सही है, जो इसमें हमने वो डाला है रिलायबिलिटी वो 255 डालिए 100%। डिले जो है वो सीरियल का 20,000 था और जो इसकी लिंक थी बैंडविड्थ थी वो 1000 kbps मतलब के 1 MB डालिए। अब देखें R1 से R3 पे सक्सेसफुल जा रहा है और R3 से R1 पे भी सक्सेसफुल जा रहा है। अब मैं इस पे जाकर चेक करता हूँ। दिखा रहे एक सेकंड, एक चीज देखें, अब इधर अगर मैं R3 पे आकर शो IP राउट करूंगा तो ये मुझे एक्सटर्नल EIRGP के राउट दिखा रहा है। देखें EIRGP EX से शो कर रहा है, सिंपल EIRGP D से कनेक्ट करता है ये वाला, लेकिन ये EIRGP एक्सटर्नल से हो रहा है कि एक्सटर्नल EIRGP के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट होता हुआ राउट आ रहा है जो कि दूसरी प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई कर रहा है। राउटर विथ रीडिस्ट्रीब्यूशन EIRGP 100 मैट्रिक 1 क्योंकि एक हॉप के फासले पे है। बस इतना था इसका। हाँ इसके अंदर राउटर EIRGP 100 और इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक 1000, 20,000, 25, 1 और 15। डिले अच्छा वो जो एक किस बच्चे की रहेगी, अभी आखिरी जो बच्चा रह था जिसका थोड़ा सा मसला था, आना बेटा। और अभी आप सब लोग यहाँ बैठिए एक मिनट और फिर हम जो है ना वो देख लेंगे उसमें। इधर आना, इधर चलो। Thank you.
हाँ भाई ये बात कर दोनों करते हैं अब सारी चीज़ है ना लाहौल में अचानक कैसे आ गया ये अचानक कैसे आ गया लाहौर के मैचेस नहीं हो रहे लाहौर के जब मैचेस हुए फिर उन्होंने जीत वाले स्टार्ट किया तो डंक चल गया उनका एक खिलाड़ी चल रहा है कराची के मैचेस पर अगर वो नहीं चला कोयटा भी अभी वो करेंगे तो मैच करेगा मुल्तान के साथ खेलने वाला अभी खराब हो रही थी स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है सुल्तान अफरीदी वाली।